हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ में और एक रिव्यूइंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है ये सिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लस पैलेट। सो इस पैलेट का मैं फुल ऑफ रिव्यू दूंगी आप लोग को, और साथ ही साथ मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगी कि ये किस किस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हो और इसका क्या क्या बेनिफिट है और ये अच्छा है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं। फुल डिटेल्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप में से कितना जन को पता ही होगा इस पैलेट के बारे में, या तो आप लोग के पास होगा भी ये पैलेट, लेकिन ये मैंने न्यूली बाइंग किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ में इसका रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि ये मैंने कहीं तरीके से यूज़ किया है, वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मैं डिटेल्स बता देती हूँ, उसके बाद इसका मैं करके दिखाऊँगी डेमो कि किस तरीके से आपको कर सकती हो 3-4 वे में। ये है सिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लस पैलेट। सो गाइस, इसका प्राइस जो है वो आपको मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, मुझे एक्जैक्ट पता नहीं है। इसमें आपको 2-3 शेड्स मिल जाएंगे, आपको ये जो अंदर में जो कलर्स है वो आपको अलग अलग तरीके का कलर मिल जाएगा। सो इसीलिए अगर आपको यही पर्टिकुलर चाहिए तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या तो अगर आप लोगों को नहीं मिला तो मैं बता देती हूँ, ये है अल्ट्रा ब्लस पैलेट नंबर 04 है। सो इसका जो नंबर है वो 04 है, तो ध्यान से आप चेक करके लीजिएगा, क्योंकि आप यही ऑर्डर करने के लिए चाहो तो आपको दूसरा ऑर्डर ना हो जाए, इसीलिए मैं आप लोग को नंबर बता दे रही हूँ जो कि है 04। मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च करके मैंने सेम कलर ये मंगाए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो गाइस, इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है, बहुत ही अच्छा वाला ये एक हाई एंड लुक पैकेजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप अपनी पार्लर पे यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके का पैलेट लेने से बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं, साथ ही साथ आपको हाइलाइटर और एक ब्रॉन्जर भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर 6 शेड्स मिल जाएगा ब्रश का, और ये है हाइलाइटर और ये है आपको ब्रॉन्जर। तो गाइस, इतना कुछ शेड्स आपको मिल जा रहा है। आपको यहाँ पे पूरा लाइट और डार्क, ये बहुत ही लाइट दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाइट है, ये आपको फेयर स्किन टोन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक इसका स्वाचेस तो मैं दिखा देती हूँ, ये वाला और ये वाला। मेरे बहुत ही लाइट हैंड से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका पिगमेंटेशन बहुत ही है, बट ये थोड़ा सा पाउडरी बेसिस में है। आप जब भी प्रोडक्ट लोगे तो उसे एक बार डस्ट अप करिए, उसके बाद में आप ब्लेंड करिए, नहीं तो आप कहीं पे अप्लाई करोगे तो कहीं प्लेस पे लग जाएगा, या तो आपको ड्रेस के ऊपर में गिर जाएगा, तो इसीलिए। तो गाइस, ये एक ये कलर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, कलर बहुत ही अमेजिंग कलर्स है, बट यही है कि थोड़ा सा पाउडरी चौकी टाइप का है, मुझे यही थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद इसका हाइलाइटर लगा, क्योंकि जो अभी मेरे फेस पे आप देख सकते हो, ये इसी का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है, और मैंने फुल फेस इसी से ही मेकअप किया है। फुल फेस मतलब मेरे आईज़ और ब्रॉन्जर, ब्लशर और हाइलाइटर कैसे किया वो आप आगे वीडियो में देख लीजिएगा। सो गाइस, इस वक्त मेरे फेस पे बहुत ही लाइट फाउंडेशन, फेसेस कनाडा का मैटलेस फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, उसका रिव्यू करना था तो इसीलिए, और लाइटली मैंने आईब्रो को भी फिलअप किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ, और कॉम्पैक्ट भी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ब्रॉन्ज़र यूज़ मैं अपनी चिक्स बोन पे, थोड़ी सी नोज़ को भी ब्रॉन्ज़अप कर रही हूँ, और ये मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है, उतना ज़्यादा डार्क भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, एकदम मीडियम सा मुझे टोन मिल रहा है। नेक्स्ट मैं इसे ब्लशर भी यूज़ करूँगी, ये वाला ब्लशर शेड्स अपनी एप्पल चिक्स पे, और थोड़ी सी मैं नोज़ को भी ब्लशअप कर लूँगी ताकि नेचुरल लगे। और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है इसका शेड्स, बट ये थोड़ा सा चौकी बेस में है तो इसीलिए डस्ट अप ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया, जो भी मेरा हायर पॉइंट से वहाँ पे, और मेरे नोज़ टिप पे भी मैंने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम ये ब्रॉन्जरी सेट को लेके मैं अपने आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो गाइस, देखा आपने, इस पैलेट में से मैंने फेस ब्रॉन्जर किया और ब्लश किया और हाइलाइटर किया, अभी मैं लाइट ये आई मेकअप भी मैं कर रही हूँ। ब्रॉन्जर कलर से मैंने क्रीज को ब्लेंड कर दिया है,
और ये बहुत ही लाइट शेड है। और यहाँ पे मैं बहुत ही इजी आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो हाइलाइटर सेट था वो इनर कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। मैंने पहले ब्रश से अप्लाई किया, उसके बाद मैंने फिंगर से अप्लाई किया। इनर कॉर्नर को भी सेम हाइलाइटर से मैं हाईलाइट कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला आई मेकअप लुक, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट ये डार्क पिंक शेड लेके मेरे आउटर कॉर्नर को फिलअप कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड देन मैं एक लोअर लैश लाइन बुक को भी सेम सेट को अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं डबल कोट मस्कारा अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन पे अच्छी तरह से कोटिंग में। आप चाहो तो आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पर लिपस्टिक, एक बोल्ड लिपस्टिक लगा लूँगी। एंड आप देख सकते हो ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी तरीके से क्रिएट हुआ है, सिंपल ग्लैम इसे बोल सकते हो। गाइज आपने देखा होगा कि कैसा पैलेट है और ये पैलेट से कितनी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस इसमें यही मसला है कि इसका थोड़ा सा पाउडरी चौक ही बेस में है, तो वही इसका अच्छा बात नहीं है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे बाइंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप ले सकते हो। यही रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो पे। बाय बाय।